तस्वीर में गंभीर रूप से घायल ये शख्स बीजेपी पार्षद है और इन्हें घायल किया निर्दलीय मेयर यशपाल राणा और उनके समर्थकों ने। सत्ता का गुरूर निर्दलीय मेयर और उनके समर्थकों के अंदर इस कदर है कि वो मामूली बात नहीं बचा पाए। उन्होंने पार्षद की पिटाई इसलिए की क्योंकि दोनों में पार्किंग को लेकर मामूली सा विवाद हुआ था। ये विवाद इस कदर बढ़ा कि उन्होंने पार्षद की लात घूसे और डंडों से जमकर धुनाई कर दी। गंभीर रूप से घायल बीजेपी पार्षद चंद्र प्रकाश बाटा को अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा और बाटा समर्थक बड़ी संख्या में अस्पताल में जमा हो गए, जहां उनकी पुलिस अधिकारियों के साथ भी जमकर नोकझोंक हुई। पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए मेयर यशपाल राणा को गिरफ्तार कर लिया। बावजूद इसके मेयर के समर्थकों का गुरूर कम नहीं हुआ। पुलिस को थमकाने के लिए सैकड़ों समर्थक गंग नहर कोतवाली जा पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने मेयर समर्थकों को बाहर निकाल दिया। जी जो पार्षद हैं, उनको उनके साथ मारपीट की गई है और उनका कहना है कि मेयर यशपाल राणा के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। इस संबंध में अभी तहरीर प्राप्त करने देने के लिए उनके परिजनों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डॉक्टर के द्वारा उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, लेकिन सवाल ये कि अगर जनप्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर रहे लोग ही गुंडागर्दी करेंगे तो इलाके में अपराध कैसे कम होगा। रुड़की से अफजल साबरी, एपीएन।